टू ऑफ बेसिक वोकेबरी दिस इज फ्रॉम कॉम्पोजिशन एंड राइटिंग स्किल्स पार्ट सी लिस्ट सी तो पहले वाली वीडियो हमने किया ए अल्फाबेट के सारे जो बेसिक वोकेबरी है वो अब अल्फाबेट बी बैंग असडन लाउड शार्प नॉइस मतलब अचानक से तीखी आवाज आना ही स्लैम द डोर विद अ bang एंड वेंट आउट स्लैम मतलब अचानक से फोर्स से सडनली उसको खोल देना बागेन जो अक्सर हम करते हैं किसी भी शॉप पे जाना नेगोशिएशन करना अगर किसी ने कहा कि पचास का ले दे पचास की चीज़ें तो हमने कहा चालीस ले लो वही पैंतीस ले लो बार्गेनिंग करना है ना नेगोशिएट करना द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन ठीक है तो आफ्टर लिटिल बार्गेनिंग आई फेस्ट आर वेरी लुक्रेटिव डील तो मतलब थोड़ी सी बार्गेनिंग करने के बाद में बहुत अच्छी डील मैंने कर ली मैंने सिंपल बनाया आई नेवर बार्गेन विद द वेजिटेबल सेलर बैरल बैरल का मतलब है अ सिलेंड्रिकल कंटेनर सिलेंड्रिकल कंटेनर मतलब सिलेंडर की शेप में कंटेनर होता है बड़े वाला पंजाबी में हम हिंदी में इसको ड्रम बोल सकते हैं ना आई यूजली गेट फील्ड अ बैरल ऑफ डीजल एवरी मंथ फॉर माई पावर जनरेटर बेसिन बेसिन मतलब जैसे हम घर में हमारे वॉश बेसिन होती है वॉश बेसिन जैसे बट यहाँ पर हम बोलेंगे ओनली बेसिन राउंड शेप कंटेनर पे द बाउल देन नेक्स्ट बीम बीम मतलब अरे ऑफ लाइट एक लाइट uh, की एक हम कहेंगे किरण द लाइट बीम्स ऑफ द कार फेल ऑन द लिटल डॉग आप किसी भी तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं मीनिंग ध्यान से समझ लीजिए सेंटेंस अपने तरीके से बना सकते हैं बाय मतलब बाय मतलब टू जो दो लैंग्वेजेस यूज कर सकता है फ्लुएंटली बोल सकता है आई एम बाय लिंगल इन इंग्लिश एंड हिंदी बाइनरी मतलब समथिंग हैविंग टू पार्ट्स इट्स अ बाइनरी चॉइस यू कैन इधर एक्सेप्ट द प्रपोजल और रिजेक्टेड मतलब आपके पास दोनों चॉइस हैं ईदर और या आप ये करो या वो करो बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी मतलब वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ इन द वर्ल्ड और इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट एक पर्टिकुलर जगह पे बायोडाइवर्सिटी uh, होना अलग अलग तरह के एनिमल्स प्लांट्स का होना बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट जो एक एक्सपर्ट है इन द ब्रांच ऑफ साइंस का सर्निंग लिविंग ऑर्गेनिजम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं वेरी uh, जो इसका सेंटेंस है वो तो बहुत ही ईजी है सी वी रोमन वॉज द ग्रेट इंडियन बायोलॉजिस्ट नेक्स्ट बिजारे बिजारे मतलब वेरी स्ट्रेंज और अनयूजल बहुत ही अजीब चाइल्ड्स बिहेवियर वॉज अ वेरी बेजारे ऑन दर्स्ट ऑफ़ द ऑफ इज स्कूल नेक्स्ट ब्लीड ब्लीड करना मतलब ब्लड uh, निकलना किसी भी इलनेस की वजह से या इंजरी की वजह से ब्लड निकलना नेक्स्ट बॉडीली बॉडीली मतलब रिलेटेड टू द बॉडी डोंट बी अफ्रेड द डोंग वोंट कॉल्स यू बॉडीली हम मतलब आपकी आपकी शारीरिक हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं शारीरिक नेक्स्ट ब्रेक डाउन मतलब मशीनरी फेलर मतलब किसी मशीनरी का काम करते करते रुक जाना खराब हो जाना ब्रॉडली मतलब जनरली ठीक है जनरल उसका ओवरऑल कंक्लूजन हम कह सकते हैं ब्रॉडली द ड्रेस इज वोन बाई ऑल द वमेन इन द पार्टी व ब्रॉडली सिमिलर ब्रॉडली मतलब ओवरऑल सिमिलर ही थी देन बबल बबल मतलब अथेंसफी ऑफ लिक्विड इन एयर और अनदर गैस मतलब बबलिंग बबलिंग करना छोटे चुट छोटे 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 जो गुब्बारे बन जाते हैं जब हम uh, सोप uh, लगाते हैं या पानी के ऊपर भी छोटे चुट छोटे गुब्बारे आ जाते हैं उसको बोलते हैं बबलिंग नेक्स्ट बल्क बल्क मतलब बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में ज़्यादा क्वांटिटी में कैलकुलेशन कैलकुलेशन मतलब मैथमेटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ समथिंग मतलब कैलकुलेशन हम गिनती करना मतलब उसको पूरा गिनना मिलना नेक्स्ट कैलकुलस दिस इज पर्टिकुलरली अप मेथड और सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग कैलकुलेशन और रीजनिंग ओके नेक्स्ट कैंपस कैलकुलेशन कैलकुलस दिस इज रिलेटेड टू मैथेमेटिक्स कैंपस मतलब कोई भी कैंपस कोई भी बिल्डिंग यूनिवर्सिटी की है ग्राउंड किसी भी पर्टिकुलर बिल्डिंग के बारे में हम बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी कैंपस कॉलेज कैंपस नेक्स्ट नेक्स्ट पेज कैपिली अचीव दैट हैज एन इंटरनल डायामीटर और हेयरलाइथननेस मीन्स द ब्लड सर्कुलेट्स इन अवर बॉडी थ्रू कैपिलयर्स कैपलरी नेक्स्ट कैपिटलिज्म दिस इज रिलेटेड टू इकनॉमिकस हमने पहले मैथेमेटिक्स से रिलेटेड पढ़े इंटरनल बॉडी से ऑर्गन से रिलेटेड पढ़े अभी इकनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ वर्ड्स आएंगे आपको कैपिटेलिज्म मतलब एंड इकनॉमिक एंड पोलिटिकल सिस्टम इन विच आर कंट्रीज ट्रेड और इंडस्ट्री आर कंट्रोल बाई प्राइवेट ऑनर्स फॉर प्रॉफिट रादर दैन बाई द स्टेट तो कैपिटलिज्म क्या होती है पूंजीवाद हम कह सकते हैं द वर्कर्स आर मूविंग टू स्वीप कैपिटलिज्म अवे मतलब जो uh, आजकल के वर्कर्स हैं वो कैपिटलिज्म को भगाना चाहते हैं कि पूंजीवाद लोगों का सिर्फ राज ना हो कैपिटलिस्ट मतलब जो पूंजी इन्वेस्ट करता है वो पर्सन अ पर्सन कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद कैपिटलिस्ट uh, मतलब जो एक पर्सन जो कैपिटलिस्ट uh, है जो अपनी पूरी कैपिटल पूरी पूंजी इन्वेस्ट करता है नेक्स्ट है बेटा सेंसर अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जामिनिंग बुक्स फिल्म्स वर्क ऑफ आर्ट मतलब कोई भी फिल्म आती है कोई बुक आती है कोई वर्क ऑफ आर्ट आता है जो डिसाइड करता है पर्सन कि इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो हमारे किसी भी सेंटिमेंट्स को अफेक्ट करता हो तो मैं सेंटेंस पढ़ूंगी आपको समझ आ जाएगा मेनी सीन्स ऑफ द मूवी आर सेंसर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस सेंटीमेंट्स मतलब कुछ कोई भी बुक आ रही है कोई फिल्म आ रही है कोई वर्क ऑफ आर्ट आ रहा है वो किसी भी पर्सन के किसी भी तरह के सेंटिमेंट को अफेक्ट तो नहीं कर रहा तो वो कौन चेक करता है सेंसर अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जामिंग बुक्स एंड वर्क ऑफ आर्ट नेक्स्ट है करेक्टराइजेशन जो आप अक्सर अपनी बुक्स में पढ़ते हो द्रिएशन ऑफ अ फिक्शनल करेक्टर काल्पनिक करेक्टर बनाना उसको बोलते हैं करैक्टराइजेशन अपनी तरफ से एक करेक्टर खड़ा कर देना और स्टोरी में डाल देना नेक्स्ट साइंटिफिक टर्म केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस नेक्स्ट कीमो कीमोथेरेपी हम अक्सर ही सुनते हैं ट्रीटमेंट डेट यूजेस ड्रग्स टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स नेक्स्ट क्लोराइड अ केमिकल कंपाउंड दैट इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोराइन एंड अदर सब्सटांसिस दिस इज अगेन रिलेटेड टू साइंस क्रोमोसोम अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट लिविंग सेल्स कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स मतलब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं तो क्रोमोसोम्स की जरिए ही जो जेनेटिक जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है नेक्स्ट क्रॉनिक क्रॉनिक मतलब ऑफ एन इलनेस परसिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम कोई भी बीमारी जो लंबे समय तक रहती है नेक्स्ट I mean, uh, इसकी मैं एग्जाम्पल पढ़ना चाहूँगी सेंटेंस पढ़ना चाहूँगी मिस्टर बलराम हैड टू टेक अर्ली रिटायरमेंट फ्रॉम इस जॉब ड्यू टू द क्रॉनिक हार्ट डिसीज नेक्स्ट चंक चंक मतलब अथिक सॉलिड पार्ट ऑफ समथिंग किसी भी चीज़ का मतलब टुकड़ा हम कह सकते हैं थोड़ा बड़ा टुकड़ा अ लार्ज चंक ऑफ चीज वॉज ईटन बाय द माउस देन सर्कुलेशन मतलब द प्रोसेस इन विच समथिंग सच एज इंफॉर्मेशन मनी और गुड्स पास इज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर सर्कुलेट होती है एक पर्सन से दूसरी जगह चाहे हम हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है उसकी आप उसका भी सेंटेंस बना सकते हो या हमारी इकोनी इकॉनमी में हमारे जो इंडस्ट्री में मनी सर्कुलेट होता है ट्रांजेक्शन्स होती हैं थिंग्स सर्कुलेट होती हैं उन उसके ऊपर भी आप बना सकते हो सर्कुलेशन वर्ड हर जगह पे फिट होता है नेक्स्ट सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन मतलब ह्यूमन सोसाइटी विद इट्स वर्ल्ड वर्ल्ड सोशल अ पर्टिकुलर पीरियड इन टाइम नेक्स्ट मतलब हम कह सकते हैं सभ्यता एक टाइम पे कौन सी सभ्यता चल रही है जैसे हमने एस एस टी में बहुत पढ़ा है हड़प्पा मोहन पे कौन सी सभ्यता चल रही थी ये हमारी हमारे, हमारे पूरे पुराने टाइम पे आ, जो पता चलता है कि कौन सी सभ्यताएं थी सिविलाइजेशन नेक्स्ट क्लैरिफाई क्लैरिफाई करना टू मेक क्लियर टीचर क्लेरिफाइड द कन्फ्यूजन ऑफ द स्टूडेंट्स बच्चों की कन्फ्यूजन को क्लियर किया उन, उनके माइंड में जो डाउट थे वो निकाल नेक्स्ट क्लासीफिकेशन करना मतलब क्लासेस बना देना ग्रुप्स बना देना नेक्स्ट क्ले क्ले मतलब अर्थ uh, यहाँ पे हम अर्थ वर्ड नहीं यूज़ करेंगे जो अर्थ जो मटेरियल जो बना होता है चाहे वो सैंड थोड़ा सैंड थोड़ा डक्टाइल क्वालिटी का हो या मिट्टी से बना हो उसको बोलेंगे हम क्ले जो कि अक्सर बच्चे आजकल कर यूज करते हैं लाइक द टॉयज आर मेड ऑफ क्ले आजकल बहुत मार्केट में फेमस है ये चीज क्लिक क्लिक मतलब टू मेक अ शॉर्ट शार्प साउंड यू नीड टू क्लिक द माउस ऑन द फाइल फोल्डर टू ओपन इट नेक्स्ट क्लाइंट क्लाइंट मीन्स अ कस्टमर क्लाइंट मतलब हम कहते हैं कि हमारा क्लाइंट आया है है ना लॉयर के लिए उसका क्लाइंट कौन हो गया जो उसका कस्टमर है जिस जो केस चल रहा है है ना क्लाइंट तो नेक्स्ट क्लिप अ स्मॉल ऑब्जेक्ट यूज फॉर पासनिंग थिंग्स टुगेदर क्लिप मतलब जो हम यूज़ करते हैं पैग पैग्स पैग्स भी चुटकियों को बोलते हैं जो कपड़ों के लिए यूज़ करते हैं बट यहाँ पे हमने स्टेशनरी आइटम के लिए बोला है जैसे हम हमने सारे पेपर्स को कलेक्ट करना है तो हम क्लिप लगा देते हैं उसके ऊपर उसको बोलेंगे क्लिप नेक्स्ट क्लोन अ प्लांट और एनिमल दैट हैज द सेम जीन्स एज अ ओरिजिनल फ्रॉम विच इट वॉज प्रोड्यूस्ड नेक्स्ट क्लोजर क्लोजर मतलब बंद होना अकाउंट क्लोजर के बारे में बोल सकते हो आप किसी फैक्ट्री क्लोजर के बारे में बोल सकते हो ऑल द थिंग्स आर ओके हेयर आप समटाइम्स उसी अकॉर्डिंग बना सकते हो को कॉफिशियंट कॉफिशियंट मतलब दिस इज रिलेटेड टू मैथेमेटिकल इन न्यूमेरिकल और कॉन्स्टेंट क्वानिटी

एज अ ग्रुप मतलब कलेक्टिवलीठे मिलकर कुछ करना इकट्ठे मिलकर कोई भी एफर्ट करना कॉलोनियल कॉलोनियल मतलब रिलेटेड टू अलोनी जैसे इंडिया भी किसी टाइम पर कॉलोनी रहा है ब्रिटिशर्स की तो जब कोई भी पावरफुल कंट्री लेस पावरफुल कंट्री को अपने अंडर कर लेती है हम उसे बोलेंगे कॉलोनी और कॉलोनियजम सॉरी नेक्स्ट नाइंटी एट इज कमेंट्री कमेंट्री ये तो आपको पता ही होगा अ स्पोकन डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट ऑन द रेडियो और टेलीविजन जो भी चीज सामने चल रही है उसको बोल बोल के डिस्क्राइब करना दैट इज कॉल्ड कमेंट्री देन कॉमोडिटी मतलब प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब कोई भी चीज कम्युनिकेटिव मतलब एबल टू टॉक और इम्पार्ट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटिव मतलब अपने मन की या दिल या दिमाग की जो आप थॉट्स आ रहे हैं आपके अंदर उसको कम्युनिकेट करना सामने वाले को बता सकना कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट मतलब अ डॉक्ट दैट एम्स टू रिप्लेस प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अ प्रॉफिट बेस्ड इकोनमी विद पब्लिक ऑनरशिप जो रिप्लेस करता है प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक ऑनरशिप में दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिस्ट कॉम्पैक्ट नेक्स्ट इज़ कॉम्पैक्ट अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल अ कंट्रीज दो कंट्रीज़ और दो लोगों के बीच में कोई भी संधि होना कंपेयरेबल कंपेयरेबल मतलब कंपेयर करना जब हम कह सकते हैं दो चीज़ें एक जैसी हैं कंपेयरेबल हैं इन इनको कंपेयर किया जा सकता है बरार इन साइज अमाउंट और क्वालिटी नेक्स्ट कंपेरेटिव कंपेरेटिव मतलब सिमिलर सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी बिटवीन वन थिंग एंड अदर कंपेरेटिव मतलब कंपेरिजन कर सकना कम्पन्सेट गिविंग सम वन मनी इन रिकोगशन ऑफ लॉस कंपनसेशन देना मतलब मुआवजा हम हिंदी में बोलेंगे मुआवजा देना कॉम्पिटेंस मतलब काबिलियत कैपेबिलिटी नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू मेक समथिंग एल्स सीम बेटर और मोर अट्रैक्टिव दैन कम्बाइन विथ इट्स हम कहते हैं ना कि कॉम्प्लीमेंट्री हम रेस्टो रेस्टोरेंट में गए तो उनका कुछ फूड कॉम्प्लीमेंट्री था तो यहाँ पर इन्होंने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी है दिलीप कुमार एक्टिंग कॉम्प्लीमेंट्स विद सलीम्स करेक्टर वेरी वेल इन मूवी मुगल आजम क्लियर आप अदरवाइज जो रूटीन लैंग में हम यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट उस वो भी यूज कर सकते हैं डिके डिके मतलब डीकम्पोज होना गलना रोट रो, रोट हो जाना खराब हो जाना डिसीव मतलब चीट चीट करना नेक्स्ट डिसीव मतलब चीट करना डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन मतलब डाइवर्शन डाइवर्शन मतलब देर वॉज अ डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रेज ड्यू टू द शाइनी सरफेस डाइवर्स डाइवर्स हो जाना मतलब बट जाना बिखर जाना नेक्स्ट वन हंड्रेड इलेवन डेल्टा जो हम एस एस टी में पढ़ते हैं डेल्टा एन एरिया ऑफ लो फ्लैट लैंड शेप लाइक अ ट्राइंगल वेयर आर रिवर डिवाइड्स इनटू सेवरल स्मॉलर रिवर्स बिफोर फ्लोइंग इनटू द सी डेल्टा द डेल्टा ऑफ नाइल इज वर्थ वॉचिंग मतलब ये साइट सीन के भी ये लोग जाते हैं देखने के लिए इनका दृश्य सुंदरबन डेल्टा माना जाता है बहुत बड़ा है तो आपने सुना होगा एस एस टी में डिनोमिनेटर नेक्स्ट इज़ डिनोमिनेटर जैसे हम मैथेमेटिकली तो मैं ये जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने देखो लिया है थ्री ओवर टू जो नीचे वाला अक्षर है उसको हम बोलेंगे डिनोमिनेटर जो ऊपर वाला है उसको बोलेंगे न्यूमरेटर नेक्स्ट वन हंड्रेड थर्टीन डिनोट डिनोट करना मतलब टू रिप्रजेंट टोन डिनोट्स हिज जेंटलनेस मतलब जो उसकी पोलाइट टोन है वो बताती है कि रिप्रेजेंट करती है उसकी वो कितना उदार है जेंटल है डेरिवेटिव, डेरीवेटिव मतलब नॉट ओरिजिनल और सेल्फ जनरेटेड आइडियाज एंड विच हैव बिन डिवेल्प फ्रॉम समथिंग एल्स डेरिविएशन हम ये डेफिनेशन्स जब पढ़ते हैं ना तब हम पढ़ते हैं कि दिस वर्ड हैज़ बिन डेरीवेटिव फ्राम दर्ड मीनिंग ऑफ दिस वर्ड हैज़ बिन डेरीवेटिव फ्राम द लेटिन फ्रॉम द ग्रीक यहाँ से लिया गया है मतलब जो उसका ओरिजिनल मतलब ना हो किसी कहीं और से उसका मीनिंग लिया गया हो जैसे कि एग्जाम्पल मैं पढ़ रही हूँ ऑल द पेंटिंग्स इन द डेट एग्जिबिशन वर् डेरीवेटिव इन फैक्ट नेक्स्ट मतलब उस एग्जीबिशन में सारी पेंटिंग्स ही कहीं से ली गई थी नेक्स्ट इज डिसेंडेंट डिसेंडेंट मतलब उसकी अगली पीढ़ी बच ऑफ स्प्रिंग कल हमने पढ़ा था ए से एंसेस्ट्रल मतलब पूर्वज डिसेंडेंट मतलब डिस नेक्स्ट इज डिस्क्रिप्टर डिस्क्रिप्टर मतलब जो एक वर्ड को पूरी तरह से एक्सप्लेन एक्सप्लेन करता है डिस्क्राइब करता है पहचानता है uh, आप सिंपली इसका मीनिंग याद कर सकते हो अ वर्ड और एक्सप्रेशन यूज टू डिस्क्राइब किसी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है मैंने बहुत ईजी इसका सेंटेंस लिखा है वंस वे ऑफ टॉकिंग इज़ डिस्क्रिप्टर ऑफ वंस पर्सनैलिटी किसी की बात करने के तरीके से पता चल जाता है कि उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा है डी पी और व्हाट्सएप इज़ द डिस्क्रिप्ट ऑफ आर पर्सनैलिटी हमारी जो डिस्प्ले पिक्चर है व्हाट्सएप पे वही डिस्क्राइब करती है हमारी पर्सनैलिटी कैसी है नेक्स्ट डेविएशन डेविएशन मतलब द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द यूजल और कॉमन वे ऑफ बिहेविंग अलग होना जो हम कर रहे हैं कॉम और कॉमनली करते हैं उससे कुछ अलग होना नेक्स्ट नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक डायग्नोस करना मतलब आइडेंटिफाई आ पर्टिकुलर इलनेस जब हम कभी बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमारे सिम्टम्स देख के कि हमें क्या प्रॉब्लम है या पर्स चेक करके डायग्नोज करते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम नेक्स्ट डिफ्यूजन डिफ्यूजन मतलब द एक्ट ऑफ स्प्रेडिंग इन मैनी डायरेक्शंस डिफ्यूज कर देना द तो फैला देना डायलेमा डायलेमा मतलब एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन जिसमें हमें पता ना चले कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना डायमेंशनल मतलब रिलेटेड टू वेरियस dimensions रिलेटिंग टू डिफरेंट मेजरमेंट्स नेक्स्ट डिस्कोर्स डिस्कोर्स डिबेट डिस्कशन आप कुछ भी समझ में इसको डिस्कस करना कोई भी चीज़ डिस्कशन करनी दो चार लोगों के साथ इकट्ठे मिलकर डिस्क्रीट सेपरेट अलग डेजेशन अलॉन्ग एस एन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट सो so, डेजिटेशन जैसे कि कोई भी प्रिपेयर करता है अपने टॉपिक के ऊपर अनंत सबमिटेड हिज डेजिटेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब ये हम डिग्रीज करते हैं तो वहाँ पे हम डेजिटेशन जो है सबमिट करवाते हैं जो मेन एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट और एन एरिया ओवर विच अ पर्सन हैज़ कंट्रोल मतलब जिसका किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई इंटरेस्ट हो या एक्सपर्टीज हो नेक्स्ट ड्रिफ्ट टू बी कैरी इड स्लोली बाई अ करंट ऑफ एयर और वाटर मतलब कोई चीज़ उठा के ले जाना कैरी करके ले जाना चाहे वो पानी के अभाव से हो चाहे वो हवा के अभाव से हो नेक्स्ट इकोनॉमिस्ट मतलब जो अर्थशास्त्री एंड एक्सपर्ट इन इकनॉमिक्स लाइक डॉक्टर मनमोहन सिंह अब सब जानते हूँ इज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट हुजेकन द इंडियन इकोमी टू द न्यू डायरेक्शन नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है अल्फाबेट ई e से ही इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी मतलब एबिलिटी टू स्ट्रेच मतलब इलास्टिक हमने सुना ही है फिजिकल एक्सरसाइज इंक्रीज द इलास्टिसिटी ऑफ मसल्स नेक्स्ट एलिमेंट्री मतलब बेसिक एलिवेट रेज ऊपर उठना दिस स्टेज इज नीडेड टू बी एलिवेटेड अ लिटल मोर नेक्स्ट इलीट मतलब सुपीरियर हाई क्वालिटी हाई लेवल का होना एम्बिट मतलब फिक्स एंड कोड कन्वर्ट इन टू अ कोडिड फॉर्म हमने पढ़ाया एंड कोडिंग और डी कोडिंग इस कंप्यूटर लैंग्वेज में से एनफोर्समेंट मतलब लागू करना इम्प्लीमेंट करना ट्रेन मतलब अ पर्सन अ ग्रुप दैट एंटर्स और टेक्स पार्ट इन समथिंग द एंट्रेंस विल हैव टू गो थ्रू थ्री राउंडस बिफोर द फाइनल राउंड मतलब जो पार्टिसिपेट्स हैं उनके लिए एनजाइमे मतलब आ सबस्टांस प्रोड्यूस बाई लिविंग ऑर्गेनिजम विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू ब्रिंक अबाउट अ स्पेसिफिक बायो कैमिकल रिएक्शन दिस इज साइंटिफिक टर्म दैन एपिडेमोलॉजी द सांटिफिक स्टडी ऑफ डिसीजिज बीमारियों की स्टडी करना एथिकल दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दिस इज़ रिलेटेड टू प्रिंसिपल सिद्धांतों से संबंधित जो रिलेटेड टू मॉरल प्रिंसिपल्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैन एवोल्यूशनरी रिलेटेड टू द वे इन विच द लिविंग थिंग्स डिवेल्प ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स कैसे इवोल्व हुए कैसे पैदा हुए कैसे उनकी डिवेलपमेंट हुई लिविंग थिंग्स की एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करना मतलब लागू करना किसी प्लान को चालू करना किसी भी काम को शुरू करना या उसकी शुरुआत करनी एक्सपर्टीज़ मतलब किसी भी काम में एक्सपर्ट होना एफिशेंसी uh, होना प्रोफिशेंसी होना फेस इट वन पार्ट ऑफ अ सब्जेक्ट और सिचुएशन किसी भी काम का कोई फेस हिस्सा नेक्स्ट फैसिलिटेट मतलब आसान करना uh, किसी भी काम को uh, थोड़ा uh, उसकी जो मुश्किल है उसको कम करना मेक एन एक्शन और प्रोसेस इजी दिस इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टोरियल दिस इज अगेन रिलेटेड टू मैथमेटिक्स फैटिक मतलब थक जाना टायर्डनेस नेक्स्ट फीचर मतलब रिलेटेड टू दिस इज रिलेटेड टू फिटस मतलब भ्रूण अ बेबी डेवलपिंग इन मदर्स वूम माँ के पेट में जो बच्चा है उससे रिलेटेड है फिनिट लिमिटेड इन एक्सटेंड मतलब सीमित होना नेक्स्ट फ्लिप फ्लिप मीन्स टर्न ओवर विद अ सडन क्विक मूमेंट फ्लिप ओवर हम बोलते हैं फ्लक्स uh, लगातार बदलाव कॉन्टीन्यूसली चेंजिंग लगातार बदलते रहना फॉर्मूलेशन मीन्स द एक्शन ऑफ क्रिएटिंग और प्रिपेयरिंग समथिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन अ नेशन कैन कीप इट्स सिटीजन प्रोस्पीरियस फॉर्मुलेशन मतलब बनाना हम बनाते हैं अगर कोई फॉर्मुलेट करते हैं फॉरम मतलब कन्वेंशन फ्रैक्शन मतलब पार्ट कुछ हिस्सा फ्रिक्शन मतलब अलग अलग होना डिसयूनिटी होना एक जैसा ना होना जो कि अक्सर है देयर इज़ फ्रिक्शन अमंग द पार्टी लीडर्स नेक्स्ट फ्रेंच मतलब बॉर्डर लाइन फंडामेंटिक फंडामेंटली बेसिकली फ्यूजन मतलब मर्जिंग या अमलगमेशन मतलब आफ्टर द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन अमंग पार्टीज है मर्ज हो जाना एक दूसरे में मिल जाना गोस मतलब अथेन ट्रांसपेरेंट फैब्रिक नेक्स्ट जर्नलाइज टू ड्रॉ जर्नल कंक्लूजन एक निचोड़ निकाल लेना नेक्स्ट जेनेटिक्स रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ हेरेडिटी ग्रेडियन मतलब स्लोप स्लोप मतलब तीखा ऊपर ऊपर तीखा चले जाना वाई कार पावरलेस वाइल राइजिंग द स्टीप ग्रेडियंस नेक्स्ट ग्रामेटिकल मतलब रिलेटेड टू ग्रैमर जो अक्सर हम पढ़ते हैं ये दिस इज़ यूज वर्ड नेक्स्ट ग्रास मतलब टू अंडरस्टैंड कुछ समझना ग्रेविटी मतलब अट्रैक्शन न्यूट्रन डिस्कवर द लॉ ऑफ ग्रेविटी वेरी इजी सेंटेंस ग्रिड अ पावर अपट्रन और स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम होरिजोंटल और वर्टिकल लाइन्स क्रोसिंग ईच अदर टू फॉर्म स्क्वायर्स नेक्स्ट ग्रोस मतलब टोटल हम जब किसी भी अमाउंट को टोटल करते हैं कुछ अमाउंट्स मिला के गच मतलब रिलेटेड टू स्टमिक और बेली पेट से रिलेटेड हैबिटेड मतलब द नेचुरल हैबिटेड होम और इन्वायरमेंट ऑफ एन एनिमल किसी का घर हैंड आउट मतलब चैरिटी या एड किसी को दान देना हॉक मतलब टू सेल गुड्स इनफॉर्मली एट पब्लिक प्लेसेस लाइक हॉकर्स हमारी गलियों में आते हैं बेचने के लिए सामान तो हॉक मतलब मतलब जैसे हम हिंदी में बोलेंगे हॉका दे के चीज़ों को बेचना हार्वेस्ट हार्वेस्ट द प्रोसेस और पीरियड ऑफ गैदरिंग क्रॉप्स मतलब फसलें काट के उनको इकट्ठा करना हैच अ फेंस और बाउंड्री फॉर्म बाय क्लोजली ग्रोइंग बुशेस और शब्स मतलब आला दिवाले में से उसको चार चारदीवारी कर लेना चाहे किसी भी तरीके से शब्स से या वेम्बू से देन हेलिक्स अ कर्व देट गोज अराउंड अ सेंट्रल ट्यूब और कोन शेप इन द फॉर्म ऑफ अ स्पाइल मीन्स द स्नेक क्लाइंबिंग द ट्री लुक लाइक हैलिक्स दैन हर्बिसाइड अ केमिकल दैट इज़ यूज टू डिस्ट्रॉय प्लांट्स स्पेशली वीड्स जो एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए केमिकल यूज़ होता है उसको बोलते हैं हर्बिसाइड साइड मतलब सीसाइड हमने सुना है हर्बिसाइड uh, यहां यहाँ हो गया किसी को मारना यहाँ पे किसको मारना है हर्बिसाइड मतलब वीड्स को ख़त्म करना है हिरार ग्रेडिंग या रैंकिंग किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में हॉरीजोन द लाइन एट विच हमें लगता है यहाँ पे स्काई और जो ज़मीन है और आसमान है वो मिल रहे हैं देन नेक्स्ट इज हार्मोन अ केमिकल मेड बाई लिविंग सेल्स डैट इन्फ्लुएंस अ डिवेलपमेंट ग्रोथ ऑफ अ क्रिएचर आइडेंटिकल मतलब एक जैसे सिमिलर इल्यूशन मतलब अडिसप्टि uh, भरम भ्रम हो जाना हमें इल्यूशन मतलब भ्रम हो जाना जो चीज़ एक्चुअली नहीं है हमें वो लगना इम्यून सेफ फ्राम डीज किसी भी बीमारी से बचना इम्प्लीसिट सजेस्ट बट नॉट कम्युनिकेटेड डायरेक्टली इम्प्लीसिटली है ये सुजेस्ट करते हैं बट डायरेक्टली नहीं बताया गया इंक्लूजन मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ में इंक्लूड कर देना द एक्ट ऑफ इंक्लूडिंग इनक्रेडिबल वंडरफुल बहुत बढ़िया इनकम्बेंट necessary फॉर सम वन एज duty ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के लिए बहुत ज़रूरी होना जिम्मेदारी इंडिजीनियस मतलब नेटिव किसी पर्टिकुलर जगह पर रहने वाले लोगों को ट्राइब को हम बोल सकते हैं इंड्यूस सक्सीड इन परस्यूडिंग और लीडिंग सम वन टू डू सम मतलब तोड़ निकालना कंक्लूजन निकाल लेना सिट्टा हम पंजाबी में वजह से बोल सकते हैं इनहेबिट मतलब रेस्ट्रेन और प्रिवेंट एन एक्शन और प्रोसेस इन मतलब जन्म से ही इन बॉर्न इंस्टिंग इंस्टिंट द वे पीपल और एनिमल्स नेचुरल नेचुरली रिएक्ट विदाउट हैविंग टू थिंक और लर्न अबाउट इंस्टिंग मतलब हमने कहा उसने इंस्टिटली जवाब दे दिया तो, तो एकदम से जैसे उसका नेचर है नेक्स्ट इंटेग्रल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंक्लूडिंग एंड असेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग किसी का बहुत ज़रूरी हिस्सा होना इंटरफेस अ सिचुएशन और प्लेस वे आर टू थिंग्स कम टूगेदर एंड अफेक्ट ईच अदर वी नीड अ क्लियर इंटरफेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट इंटरमीडिएट मतलब मिडल बीच वाला मिड लेवल इंटरवीन करना मतलब टू इंटेंशली बिकम इन्वॉल्व किसी के बीच में इंटेंशली जानबूझ के आ जाना इन्वेजन मतलब अटैक करना एन इंस्टेंस ऑफ इन्वेडिंग अ कंट्री और रीजन विद एन आर्म्ड फोर्स ओके थैंक यू दिस इज अप टू आई अल्फाबेट होप आई विल ऑल्सो प्रेजेंट अनदर वीडियो फॉर रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट थैंक यू ऑल द बेस्ट बेटा